नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा? मजा माने विडियो लेक्चर मां फरी आपने एकवार हार्दिक स्वागत छे। आजे आपने यूनिट 8 विषय हिंदी विषय सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकिर जनारुद्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है, यानी जिन्हें हम विशाल प्रेम के नाम से जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम, उनको बच्चे बहुत प्रिय है। वह बच्चों की जिज्ञासाओं का उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे और यह जो बातचीत है वह बच्चों के साथ आधारित है, यानी विद्यालय के कुछ बच्चे जो है डॉक्टर कलाम से सीधे प्रश्न कर रहे हैं और अब्दुल कलाम जो है बच्चों को उनके प्रश्नों के उत्तर जो है वह दे रहे हैं। यानी यह बातचीत तब संपन्न हुई जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति के पद पर आसीन थे, तब उन्होंने बच्चों के उत्तर जो प्रश्न बच्चों ने किए थे उनके उत्तर दिए थे और यही बातचीत हमारे समक्ष रखी गई है। तो पहला प्रश्न है और प्रश्न करता है आर अरविंद कक्षा 3 सेंट मेट स्कूल चेन्नई, यानी पहला प्रश्न जो है कौन करता है आर अरविंद चेन्नई से, कहां से? चेन्नई से। वहां अब्दुल कलाम को पहला प्रश्न पूछता है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? यानी कि ये आर अरविंद जो है वह अब्दुल कलाम से उनके बचपन की यादगार घटना यानी उन्हें जो घटना याद है वह घटना सुनाने को कहता है। तो उसके उत्तर में अब्दुल कलाम उसे अपने बचपन की एक यादगार घटना सुनाते हैं। कहते हैं, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक से श्री शिव सुब्रमण्या अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवन उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यानी वह अपने बचपन की 5वीं कक्षा की यादगार घटना जो है वह सुनाते हैं बच्चों से। कहते हैं कि मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्या अय्यर जो है उनकी बात जो है मुझे आज भी याद है। यानी एक दिन कक्षा में उनको हमें बता रहे थे कि पक्षी किस प्रकार उड़ते हैं यानी कैसे उड़ते हैं। तो वहाँ उसके लिए और सिखाने के लिए और समझाने के लिए हमें उन्होंने क्या किया, हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ जाकर उन्होंने हमें इसका जीवन उदाहरण दिया। और यह घटना ऐसी थी कि जिसके कारण मेरे मन मस्तिष्क पर आज भी इस प्रकार बैठ गई थी कि आज भी मुझे याद है। और इसी से इसी घटना के कारण इसी प्रसंग के कारण मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली थी। यह बचपन की जो यादगार घटना है वह घटना अब्दुल कलाम बच्चों को आर अरविंद को सुनाते हैं। प्रश्नकर्ता नंबर 2 सरयू नगर कक्षा 5 वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर। यानी प्रश्नकर्ता 2 है उसका नाम है सरयू नगर और वह 5वीं कक्षा का छात्र है। वो नागपुर का है, नागपुर हिंदी माध्यमिक शाला का छात्र है।
बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, यानी प्रश्न करता है पूछता है कि हमें बचपन में कौन सी भाषा यानी किस भाषा को सबसे ज्यादा महत्व देना चाहिए, प्रमुखता देने प्राधान्य जो है वो देना चाहिए। क्योंकि आजकल हम जानते हैं ठीक है कि हमारे माता पिता जो है वो यही इच्छते है कि हमारे बच्चे जो है वो अंग्रेज माध्यम में पढ़े, गुजराती माध्यम में नहीं, अंग्रेज का भूत समान हो जाता है उनके लिए। और उसी कारण क्या होता है कि वो बच्चे बच्चों की हालत भी समझते नहीं है, और ये भी नहीं सोचते कि उनका बच्चा जो है वो इस माध्यम में पढ़ सकेगा या नहीं, आगे बढ़ सकेगा या नहीं। बस पड़ोसी का बेटा अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता है तो मेरा बेटा क्यों नहीं, ऐसा सोचते। तो चलते हैं हम इस सरयू नंबर के प्रश्न का उत्तर। अब्दुल कलाम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें कौन सी भाषा को प्राधान्य देना चाहिए, प्रमुखता देनी चाहिए। डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की शिक्षाओं में संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा भी नितांत आवश्यकता है। यानी अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने स्वयं माध्यमिक तक की शिक्षा जो है वो हम मातृभाषा में की है, यानी पढ़ाई जो है माध्यमिक तक की पढ़ाई जो है उन्होंने मातृभाषा में की है, अपनी मातृभाषा में। कॉलेज और बाकी की जो शिक्षा है उन्होंने अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में की है। यानी माध्यमिक तक की उनका कहना है कि माध्यमिक तक की शिक्षा जो है हमारी मातृभाषा में ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है सपने देखते हैं तो हमारी मातृभाषा में ही देखते हैं, जो कुछ सोचते हैं वो भी हमारी मातृभाषा में ही सोचते हैं, टाइम विद्यक कर रहे हैं वो भी हमारी मातृभाषा में ही करते हैं। पर अंग्रेजी का ज्ञान भी हमारे लिए आवश्यक है, हम सिर्फ मातृभाषा को ही पकड़कर नहीं चल सकते। यानी हमारी मातृभाषा है वो तो हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन साथ में हमें अंग्रेजी जैसी और भी भाषा सीखनी चाहिए, क्योंकि कहीं और हम जाएंगे तो मान लो कि दूसरे देश में जाना है तो अंग्रेजी भाषा जो है उसका नितान यानी आवश्यक है। बात करना दूसरों के साथ हम अपने अपना प्रस्ताव रख सके, उसे अपनी बात समझा सके, इतनी अंग्रेजी तो हमें आनी ही चाहिए, यानी अंग्रेजी का भी ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी का प्रभाव भी नहीं और उनका अभाव भी नहीं। यानी हम मातृभाषा में तो शिक्षण प्राप्त करेंगे, साथ में अंग्रेजी का ज्ञान हासिल करें, क्योंकि ये संपर्क करने की भाषा दूसरों के साथ संपर्क की जो भाषा है उनका जो ज्ञान है वो आवश्यकता है। प्रश्नकर्ता तीन, अर्ष पटेल कक्षा 5 चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई। यानी प्रश्नकर्ता तीन है अर्ष पटेल, कक्षा 5 मुंबई से अब्दुल कलाम से यह प्रश्न कर रहे हैं कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। यानी अर्ष पटेल जो है वो अब्दुल कलाम से पूछता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसके उत्तर में अब्दुल कलाम जो है वो क्या कहते हैं कि जब आप युवा अवस्था में कदम रखते तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमें
जैसे कि यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो, जो जो आप आगे की ओर बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। क्या कहते हैं वहां कि जब बच्चे ने पूछा अर्श पटेल ने कि आपकी तरह बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी क्या करना चाहिए, तो उसके उत्तर में अब्दुल कलाम कहते हैं कि आप जब युवा अवस्था में कदम रखो, यानी कि युवा बनो, तब ही आप अपना जो लक्ष्य है जीवन में आप क्या बनना चाहते हो वो लक्ष्य आप निर्धारित कर तय कर लो। तभी से युवा अवस्था में जब आप कदम रखो, तभी से आप कर लो कि आप क्या बनना चाहते हो, और हमेशा कुछ बड़ा सोच, छोटा नहीं बड़ा सोच। फिर जैसे कि आपको अनुभूति हो जाए कि आखिर आप बनना क्या चाहते हो, मान लो कि आपको तय किया है कि आप डॉक्टर बनना चाहते हो, ठीक है, आपको पता चल गया कि मुझे क्या बनना है, तो क्या करना है, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर। यानी जब आपको पता चल जाए आपकी मंजिल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको क्या करना है, उसी वक्त उस लक्ष्य पाने की तैयारी करो, श्रम करने लगो, मेहनत करने लगो, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा। और पहले तो आपको क्या करना है, अपना लक्ष्य तय करना है। जब आपको पता चल जाए कि आपका लक्ष्य क्या है, तो आपको क्या करना है, उस दिशा में प्रयास और श्रम जो कहते हैं, प्रयत्न और मेहनत जो है वो आरंभ कर देनी है। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो, आप बस मेहनत करते ही जाओ, बल्कि ऐसा मत रखो, यदि आप फल के बारे में सोचोगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे। आप क्या कहते हैं, ऐसी कठिनाई आएगी, बाधाएं आएगी जो आपको रोकेगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है, उन सब कठिनाइयों का बाधाओं का सामना करना है और आगे बढ़ना। आप जो जो आगे बढ़ते जाओगे तो आपकी बाधाएं आपकी आपका रास्ता रुकेगी, लेकिन आपको उनका सामना करके आगे बढ़ना है। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना है, समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी है। यानी क्या कहते हैं अब्दुल कलाम कि आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना है। यदि आपके मार्ग में कोई ऐसी बड़ी कठिनाई आ जाए, मुसीबत आ जाए, तो आपको हार कर पीछे नहीं हटना, डटकर सामना करना है उसे हराने में, यानी उसे पराजित करने में, उस मुश्किल को पराजित करने में महारत यानी होशियारी हासिल करने में, कि आप किस प्रकार उस मुसीबत को अपने रास्ते से हटा सकते हैं, तभी जीवन में आप सफल हो पाओगे। यानी ये सब आप कर लोगे तो अवश्य जो सफलता है वह आपके कदम चूमने लगेगी, यानी तभी आपको सफलता जो है पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। यानी इन सब के साथ साथ आपको क्या करना है, रोज ज्ञान अर्जित करना है, अपने अंदर ज्ञान को समाना है, तभी जाकर आपको जीवन में सफलता प्राप्त होगी और आप निर्णय से कर सकोगे। प्रश्न करना चार, चिराग छह, कक्षा सात, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम मुंबई। व्यक्तिगता चार है, चिराग छेन, अंधेरी यानी कॉफी मुंबई से है,
क्या कहते हैं कि तरुण पटेल ने
मातृभूमि के बारे में सोचते हैं और उनसे जुड़े हुए यही आपके लिए गौरव की बात है कि आप विदेश में रहकर भी अपने मातृभूमि के बारे में सोचते हैं, उनसे जुड़े रहने की बात करते हैं और यही मातृभूमि से अच्छी तरह से आपको जुड़े रखती है और यही आपके लिए गौरव की बात है। प्रश्न संख्या 7, सत्यम कक्षा 10, जिला स्कूल बूंदे।